तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे डाउनलोड करें स्नैपट्यूब को। दोस्तों स्नैपट्यूब एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे कि आप कोई भी वीडियोस, सॉन्ग्स या फोटोज़ को जो है डाउनलोड कर सकते हो वेरियस सोशल मीडिया एप्लीकेशन से, जैसे कि यूट्यूब या फेसबुक के ज़रिए आप जो है उनमें से जो भी वीडियोज़ जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्नैपट्यूब को कैसे डाउनलोड करें वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो स्नैपट्यूब जो है ये एप्टोएड नाम के एक एप्लीकेशन में आता है। अगर एप्टोएड नाम का ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है तो आप इजीली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप जो है इस एप्लीकेशन को जो है अपने गूगल क्रोम से डाउनलोड करें, क्योंकि क्रोम पे हम जो है बहुत भरोसा कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ये जो है ओरिजिनल वाला, इसका जो है प्रोफाइल नहीं है एंड यहाँ पे जो है नीचे की तरफ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इमेज नहीं दी गई है, जिसकी वजह से हम जो है स्नैपट्यूब पर इतना भरोसा नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। बट अगर हम क्रोम पे जाए तो दोस्तों क्रोम के ज़रिए आप जो है स्नैपट्यूब को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों पहले मैं सर्च कर रहा था स्नैपट्यूब के बारे में, बट अभी जो है मैं तो आपको जो है फिर से ये एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्नैपट्यूब टाइप किया। टाइप करने के बाद जो सबसे पहला वाला वेबसाइट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दूसरे वेबसाइट जैसे यहाँ पे नीचे बहुत सारे अप टू डाउन एंड अदर ऑल, उस पर भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट वाले से डाउनलोड करो, बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम मैंने इसी वेबसाइट के ज़रिए डाउनलोड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर और कोई भी जितने भी है एप्लीकेशन, उधर से आप जो है वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन अल्टरनेटिव डाउनलोड का मतलब होता है कि दूसरे तरीके से डाउनलोड करना। यहाँ पे अप टू डाउन, ऐप टू एड जो कि मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में बताया, ऐप गैलरी और गेट ऐप्स नाम के एप्लीकेशन एंड उनके वेबसाइट में जो है आपको ये देखने मिलते हैं। आप जो है इस एप्लीकेशन को उधर से डाउनलोड कर सकते हो, बट यहाँ से जो है आप अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड जैसे ये डाउनलोड होता है यहाँ पे डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड स्नैपट्यूब, क्लिक मी टू इंस्टॉल स्नैपट्यूब, यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, इसको जो है ओपन करना है। दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का एप्लीकेशन आता है, इंस्टॉल का जो है बटन आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों स्नैपट्यूब ये जो एप्लीकेशन ये डाउनलोड होने में काफ़ी जो है वक्त लेता है। तो दोस्तों स्नैपट्यूब इस एप्लीकेशन के जो है मैं स्पेसिफिक फंक्शंस एंड उसके यूजेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप तो वीडियोस डाउनलोड कर ही सकते हो, साथ ही साथ सॉन्ग्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई भी वीडियो है तो उसको ऑडियो फॉर्म में यानी सॉन्ग्स के फॉर्म में जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, भले ही वो एक रियल सॉन्ग हो या कोई भी न्यूज़ या बोला हुआ चीज़। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो इस बोलने वाले को जो है रिकॉर्डिंग या साउंड ट्रैक में जो है डाउनलोड किया जाता है इस एप्लीकेशन के ज़रिए। दोस्तों इंस्टा के फ़ोटोज़ भी डाउनलोड किए जा सकते हो, और इसके जो है सबसे बेस्ट थिंग मुझे लगी कि अगर आपके फ़ोन में वायरस या जंक फाइल्स है, जो कि दूसरे एप्लीकेशन जैसे काइंड मास्टर या अदर ऑल थिंग्स को हमें डाउनलोड करके ये सब फ़ोन के एप्लीकेशन जो है क्लीन करने होते हैं, तो दोस्तों स्नैपट्यूब ये अकेला एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप जो जंक फाइल्स है वो निकाल सकते हो एंड साथ ही साथ आप जो है अपने फ़ोन को जो है सिक्योर रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन जो है हो चुका है डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों हम जो है सीधा होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। होम स्क्रीन पे आ जाने के बाद जो है यहाँ पे हमें स्नैपट्यूब देखने मिलता है। तो दोस्तों चलिए इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों इसका सॉरी बाय मिस्टेक मैंने होम स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों वापस हम आते हैं, यहाँ पे नोटिस लीगल डॉक्यूमेंट है, इसे एग्री कर देना है, अदरवाइज आपका जो है एप्लीकेशन नहीं चलेगा। एंड साथ ही साथ आपको जो है इसे भी अलाउ कर देना है, वरना आपका जो फोटो वीडियो या जो भी आपका सॉन्ग है वो डाउनलोड नहीं होगा और वो जो है आपके फ़ोन मेमोरी या जो है जो भी मेमोरी है आपकी आपके फ़ोन स्टोरेज में जो है नहीं आएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हो जाता है हमारा स्नैपट्यूब डाउनलोड। तो दोस्तों स्नैपट्यूब डाउनलोड करने का जो है बहुत इजी है, ये जो है सीधा गूगल क्रोम में आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से
एंड दोस्तों रही बात इस एप्लीकेशन की, तो दोस्तों मैंने स्पेसिफिकेशन जो है इसके यूजर्स बता दिया आपको कि क्या क्या होता है इस एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन के जरिए आप जो है फोटोज़ वीडियोज डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों आपको एड व्यू डाउनलोड करने का जो है ऑप्शन मिलता है। यानी इसके ज़रिए जो है आपने एक बार डाउनलोड कर लिया तो मतलब ऑफलाइन आप जो भी है ऑडियो वीडियो जो है आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज आने वाले दो वीडियो इसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सवाल पड़ता है कि स्नैपट्यूब से कैसे वीडियो डाउनलोड करें, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।